पंचायत विभाग में हजारों पदों पर निकली बंपर भर्ती, आवेदन भरना शुरू। चलिए जल्दी करें आवेदन। कैसे क्या अपडेट आई हुई है आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी 26 मई 2024 की बताने वाले हैं। पंचायती राज विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस पद पर काम करने में रुचि रखते हैं या आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यह काफ़ी खुशी वाली बात है। आपको हम बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत लगभग 6,570 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 29 मई 2024 आवेदन की लास्ट डेट है। तो ऐसे में अभ्यर्थी इस शानदार मौके का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें बिना देरी किए आवेदन करना होगा। तो चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं जानकारी कि पंचायती राज विभाग में एक बेहतरीन और शानदार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया इत्यादि संपूर्ण डिटेल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6,570 पदों पर नियुक्तियां होने वाली हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ 30 अप्रैल 2024 को ही शुरू किया गया था आवेदन। इस प्रकार से आवेदन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2024 रखा गया है, और सॉरी 29 मई 2024, यानी कि 30 अप्रैल में, यानी अप्रैल के महीने में 30 तारीख को शुरू हुआ था, 29 मई के महीने में ख़त्म हो जाएगा। मतलब लास्ट डेट उसकी 29 मई है 2024। इसके लिए जो उम्मीदवार इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अपना आवेदन कर सकते हैं। बताते चले, देश के पुरुष और महिला अभ्यर्थी पंचायती राज विभाग के तहत नौकरी प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, 4,270 रखे गए हैं पुरुष के लिए, महिला के लिए 2,300 पद निर्धारित किए गए हैं। यानी कि पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग पद निर्धारित हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि ऐसे में पुरुष अभ्यर्थी जो भी सामान्य वर्ग और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, इन्हें आवेदन शुल्क के लिए 500 रुपये देने होंगे। ठीक है, यानी कि लगभग जो सामान्य वर्ग हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इन्हें 500 रुपये देने होंगे। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है। सारे अभ्यर्थी को अपने आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन तरीके से ही करना है। आयु सीमा इसमें रखी गई है 21 साल। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि इस भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 रखी गई। यानी कि 21 से 45 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों की आयु की गणना को 1 मार्च 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। ठीक है, 1 मार्च से आपकी आयु की गणना की जाएगी 2024 से। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट भी सरकार के निर्देश अनुसार प्रदान की जाएगी। पंचायती राज विभाग में शैक्षिक योग्यता क्या है, देख लीजिए। जो उम्मीदवार पंचायती राज विभाग भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ निर्धारित किया गया है सीमा। शैक्षिक योग्यता, आवेदन में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BCom, MCom या फिर CA इंटर किया हो। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने CA इंटर किया होगा, उन्हें इस नौकरी को देने में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको ये भी बता दें, सबसे पहले सारे अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि कुछ इन प्रक्रिया से होकर के आपको गुजरना होगा, जैसे कि आपका लिखित परीक्षा होगा सबसे पहले अभ्यर्थी को, और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिर इंटरव्यू के लिए आना है। यानी कि परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं, फिर उन्हें दस्तावेज वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगले चरण में मेडिकल के लिए चयनित उम्मीदवारों को होगा आना होगा मेडिकल के लिए। तो इस तरह से सभी चरणों में जो उम्मीदवार सफल हो जाएंगे, उन्हें इस पंचायती राज विभाग के तहत नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं, और इसी के साथ ऑफिशियल वेबसाइट से चाहे तो आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करें, जनसेवा केंद्र से आवेदन करवा सकते हैं। और